किससे कि जिस समय रानी रूपमती बीमार होती है, अपने महलों में लेट रही थी, प्रेमी सज्जनों वो रोजाना देखती थी कि एक घोंसले में एक चिड़िया और चिड़ा रहा करते थे। एक बार घोंसले से चिड़िया बीमार होके या पता नहीं किस कारण से मर गई और चिड़ा अपने घोंसले में दूसरी चिड़िया ले आया। जब दूसरी चिड़िया आई तो उसने आते ही पहली चिड़िया के दोनों बच्चों को मार डाला। कहते हैं कि शौक तो चून की मिट्टी की भी बुरी होती है। शौक पे ना तो शौक बर्दाश्त होती और ना ही शौक के बच्चे। उसने आते ही जब पहली चिड़िया के बच्चों को मार डाला तो ये नजारा रानी के दिल में घर कर गया और ये सोचने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं, मेरे मरने के बाद महाराज भी दूसरी शादी कर लें और जो दूसरी महारानी हमारे घर में आए वो आते ही मेरे दोनों बच्चों रूप और बसंत को मार डाले। राजा को महलों में अपने पास बुलवा लेती है रानी और किस प्रकार से समझाती है यहाँ की ये रागनी है, बाजे भगत जी द्वारा लिखित है। सुने जरा क्या कुछ बताया कवि ने। महाराज मैं हाथ जोड़ के कह रही हो गई और मैं मर जाते सजन मेरे मत दूजा ब्याह करवाइए। हाथ जोड़ के कह रही सो मेरा इतना कहन हो गई छुट्टी पिया मानस कर लियो लाख जतन पर कोन्या लागे फूटी पिया। बात धर्म की कहरी सू ना मेरी वाणी झूठी पिया परमेश्वर ने भर राखी से तेरी दुआ फूटी पिया। दो बेटे तेरे दिए राम ने और तने के चाहिए। मैं मर जाते सजन मेरे मत तू जा ब्याह करवाइए। हाथ जोड़ के कह रही सो मेरा इतना कहने पुगाइए। Thank you.
एक तो ये थोड़ा बंद है, दूसरा मुझे कहीं ना कहीं साउंड की प्रॉब्लम महसूस हो रही है। मुझे नहीं पता कि आपकी समझ में कितने शब्द आ रहे हैं और कितने नहीं, लेकिन अगर आ रहे हो तो मुझे एक बार हाथ उठा के बताएं जरूर, जिससे मुझे तसल्ली हो जाए। अच्छा, समझ में आ रहे हैं, शुक्रिया। दूसरी कली के द्वारा बताया है, केवल किस्से में ही नहीं बल्कि भगत जी ने ये लिखा दूसरी रागनी दूसरी कली में कि भाई दुनिया में कभी भी बुढ़े आदमी को जवान लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। जवान से क्या, बुढ़े को तो बुढ़ी से भी शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा? उसके कई कारण भी हैं। दूसरी कली में सुनो रानी क्या कहती है राजा से, क्या बोली के, अरे सारे स्वाद देख लिए करके, बोली कि महाराज आप कोई छोटे मोटे आदमी नहीं हो, राजा हो। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा आराम ऐसा बाकी बचा होगा जो आपने नहीं करके देखा हो। लेकिन अगर इस उम्र में आपने दूसरी शादी करी तो आपकी कुपत हो जाएगी, आपकी तो रह माटी हो जाएगी। न्यू बोली, अरे सारे स्वाद देख लिए करके कोई बाकी भोग नहीं से, वेद शास्त्र जाननिया तू मूर्ख लोग नहीं से, तो बेटे जैना ब्याहे उनका भी शोक नहीं से, तेरे धौले बाल हुए सिर के तू ब्याह के योग नहीं से, चौथा पण आ रहा पिया जी, चौथा पण आ रहा पिया जी, तू ईश्वर के गुण गई ओ मैं मर गई ते सजन मेरे मत तू जा ब्याह कर वहीये, हाथ जोड़ के तेरे कहरी सो। ओ भाई जगदीश जी, मनोज चौधरी जी की इस बेहतरीन रागनी पर हमारे आदरणीय अतर सिंह शास्त्री साहब मोखरा आपकी तरफ से स्वरूपे। और तीसरी कली के द्वारा बताया प्रेमी सजनों, अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे भाई जानी में तो किसी की शादी हुई ना हो और बुढ़ापे लोग कोई बात बन भी रही हो, इस लड़की ने वो भी कैंसिल करा दी। उसका एक कारण है, बिना वजह के नहीं बोला मैंने और ना ही आदरणीय बाजे भगत जी ने बिना वजह के लिखा है, कोई वजह है, बहुत बड़ा कारण है। बुढ़े आदमी को अगर शादी नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए? तीसरी कली की चौथी लाइन में सुने जरूर क्या बताया के? ओ बंती ले ओ। अरे याते में भी जानू बीर बिन बिल्कुल घर खाली हो जा, पर दूजी रानी ल्यावेगा तेरे बेटा ने काली हो जा, लड़कियां ओढ़ का ख्याल रहे ना हवा निराली हो जा, बूढ़े आदमी ने जान स्त्री भाई विष की प्याली हो जा, ब्याह शादी का मेरे पिया जी, ब्याह शादी का मेरे पिया जी, मत मोहर शीश बैठिए मैं मर जाते सजन मेरे मत तू जा ब्याह करवाइए, हाथ जोड़ के कहरी सो मेरा इतना कहन पुगाइए, हो मैं मर जाते सजन मेरे मत तू जा ब्याह करवाइए, हाथ जोड़ के सो।
कली में लिखा है। कहने लगी रानी कि महाराज वैसे तो आप वेद शास्त्रों के ज्ञानी हो, बहुत बड़े राजा हो, चाहो तो ना जाने कितनी शादियां कर लो, क्योंकि धन दौलत की भी आपके पास कोई कमी नहीं है। हे मेरे राजा, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और गलत रास्ते पर से जाने से रोकना मेरा फर्ज और कर्तव्य है। मैं केवल आपको समझा ही सकती हूँ, करोगे तो आप अपने मन की ही, लेकिन अगर इस उम्र में भगवान का भजन कर लोगे तो फायदे में रह जाओगे राजा जी। और लास्ट कली में न्यू बोली रानी के ओ छोरे ओए। अरे भक्ति दान हो सब व्याधा मिट जातन की, और करवावे ते ब्याह हो जा तेरे कमी नहीं से धन की। पर दूजी रानी ल्यावेगा बोवेगा बेल विघन की, मेरा ते कहना ये से तू करेगा अपने मन की हो। बाजे भगत सुमर सतगुरु ने, बाजे भगत सुमर सतगुरु ने, तू खूब खेलिए खाइए हो, मैं मर जाते सजन मेरे मत दूजा ब्याह करवाइए। हाथ जोड़ के कहरी सु मेरा इतना कहन पुगाइए।